वही यूज करके मैंने टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट बाई कर ली थी इंस्टेड ऑफ टू थ्री कुछ कुछ एमजॉन के गिफ्ट कार्ड यूज कर रहे हैं उबर ईट्स के यूज कर रहे हैं तो ये सब चीजें हैं आपको जो आप क्लेम कर सकते हो जो आप ले सकते हो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योर कनेडियन ड्रीम विदर्म तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लॉयल्टी प्रोग्राम्स बट स्पेसिफिकली एयरलाइंस के रिलेटेड ऑब्वियसली लॉयल्टी पॉइंट्स आपको बहुत जगह पर मिलते हैं बहुत सारी सर्विस के साथ रिलेटेड होते हैं बट आज की वीडियो का सिर्फ फोकस रहेगा अबाउट एयरलाइंस एंड अबाउट फ्लाइट तो ये वाले लॉयल्टी पॉइंट्स आपको क्यों क्लेम करने चाहिए तो पहले तो बात करते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते किसको हैं सो बेसिकली अगर आपने कहीं से भी ट्रैवल करा है रिकार्डलेस की आपका स्टेटस क्या है और कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो आप तो यू डू हैव ऑप्शन कि आप एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ साइन अप कर लो और आपने जो जर्नी करी है उसके पॉइंट्स आप क्लेम कर पाओ तो ये पॉइंट्स आपके इकट्ठे होते रहते हैं टू गिव यू एन आइडिया जो शुरू शुरू में मैंने एतिहाद में ट्रैवल करा था जब वैन आई फर्स्ट केम टू कैनेडा आई रिमेंबर कि उस टाइम पर मैंने भी क्लेम नहीं करे थे बिकॉज आई वॉज इन रियली थिंकिंग मच अबाउट इट बट फिर उसके बाद एक दो बार मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा तो सम हाउ एतिहाद की जो टिकट ही थी जो बेटर रेट्स पर मिली थी मुझे तो आई एंड अप ट्रेवलिंग विद एतिहाद एंड समन रेकमेंडेड कि लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए साइनअप करा है कि नहीं पॉइंट्स इकट्ठे करें हैं कि नहीं तो देट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन आई डिड इट एंड सरप्राइजिंगली इट इट रियली हेल्प यू तो मेरे एक दो बार जब इंडिया में चक्कर इतिहाद के थ्रू लगे थे तो वॉट हैपेन्ड वॉज आई स्टार्टेड एक्यूमलेटिंग पॉइंट्स तो उसके साथ साथ आई गॉट एन ई मेल जो आपका मेंबरशिप लेवल है जो आपका लॉयल्टी प्रोग्राम का मेम्बरशिप लेवल है दैट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू सिल्वर मेंबरशिप तो उनका सिल्वर लेवल है उस पर मेरे को अपग्रेड मिल गया था उसके साथ मुझे क्या मिला इंस्टेड ऑफ टू लगेज आई वॉज गिविन थ्री तो तेईस तेईस किलो के मेरे पास तीन जो अपने सूट के सो सकते थे एंड देन आई वॉज ऑल्सो गिवन लाउंज एक्सेस इन आबूधापी तो आबूधापी में जब मैं फिर ऑफिसली uh, ट्रैवल कर रहा था तो वैन आई रीच ट तो मैं लाउंज पे गया तो खाना पीना सब कुछ फ्री है यार क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए तो दैट इज़ समथिंग यू गेट विद दैट एडिशनली उसके साथ साथ मुझे सीट का भी अपग्रेड मिल गया था और मैंने इकोनॉमी उस टाइम पे बुक कर रखी थी एंड आई वाज गिवन प्रीमियम इकोनॉमी मैंने तो कुछ उसके लिए पे नहीं करा था बट आई रिमेंबर कि मेरे साथ जो ट्रैवलर था शी पेड सम टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स टू अपग्रेड फ्रॉम इकोनॉमी टू प्रीमियम इकोनॉमी और मुझे वो जस्ट बिकॉज की आई वॉज अ सिल्वर मेम्बर मुझे अपने आप से मिल गई थी एंड अभी तक मैंने बात नहीं करी कि जो मेरे ट्रैवल के बाद जो सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे थे तो उसको मैंने जब यूटिलाइज़ करा तो आई थिंक मुझे ढाई तीन सौ डॉलर के गिफ्ट कार्ड्स एंड uh, गिफ्ट समहा आई वॉज़ एबल टू गेट इट प्लस जो आपने पॉइंट्स जमा कर रखे होते हैं वही पॉइंट्स को आप नॉट जस्ट कि आप उससे गिफ्ट कार्ड्स ले सकते हो आप उसको अगली टिकट बुक करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो पार्शल पेमेंट कर सकते हो उसके साथ या फिर अगर आपके पास इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे हैं तो आप फुल पेमेंट भी आपकी वहीं से हो सकती है बिकॉज आई हैव डन द सेम विद एयर कैनेडा तो एयर कैनेडा में तो मेरी सारी फैमिली का एक ही पूल चल रहा है हमारा तो उसमें जब कोई ट्रैवल करता है तो पॉइंट्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं सो वी हैव यूटिलाइज दोज टू गेट द टिकट्स फॉर फ्री आई एंड आई रिसेंटली बुक द टिकट जो कि टोरंटो टू कैलगरी की थी आई थिंक इट वाज अराउंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स तो उसके लिए आई डिड नॉट पे एनी मैंने एयर कैनेडा की जो लॉयल्टी पॉइंट्स है इज़ पॉइंट वही यूज करके मैंने टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट बाई कर ली थी आई स्टिल हैव सम पॉइंट्स लेफ्ट तो इस तरह से आप वो पॉइंट्स यूटिलाइज कर सकते हो एंड जो कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम होगा उनकी अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी होगा जहां से आप आइटम्स ऑर्डर कर सकते हो आपको जो कुछ चाहिए आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो या फिर आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं तो मैंने कुछ कुछ एमजॉन के गिफ्ट कार्ड यूज करे हैं ऊबर ईट्स के यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो आप क्लेम कर सकते हो जो आप ले सकते हो एंड ऑब्वियसली यार टिकट के तो जो पैसे लग गए लग गए उसका तो कुछ वापस आने वाला है नहीं बट आप जहाँ पे क्लेम कर सकते हो दैट इज़ यूजिंग द लॉयल्टी पॉइंट्स जो आपने ट्रैवल कराया एंड दे रिवॉर्ड यू द पॉइंट है रेस कि यू आर शोइंग लॉयल्टी आप ही एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हो बहुत सारी ऑप्शन होने के बावजूद तो दे रिवॉर्ड यू फॉर दिस तो इसीलिए लॉयल्टी लॉयटी प्रोग्राम होते हैं तो आई थिंक एवरी वन शुड डेफिनेटली क्लेम दोज मोस्टली ऐसे होता है कि आपने जो ट्रैवल करा है उसके एक साल बाद तक आप क्लेम कर सकते हो अगर तो आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे आपका ऑलरेडी अकाउंट बन रखा है आपका प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड हो तो यू कैन जस्ट ऐड योर मेंबरशिप नंबर तो जब आप ट्रैवल करते हो अपने आप पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और क्योंकि पॉइंट्स आपको ट्रैवल के बाद ही मिलते हैं और अगर आपने नहीं करा हुआ मोस्टली आई गेस ट्वेल्व मंथ्स होते हैं आपके ट्रैवल टाइम के बाद कि आप क्लेम कर सकते हो तो उस टाइम पे आप ये सब क्लेम कर सकते हो पॉइंट्स एंड अगर किसी को 100-200 डॉलर भी आ रहा है वापस तो दैट इज हंड्रेड डॉलर्स एक्स्ट्रा फॉर यू राइट या आपको गिफ्ट कार्ड चाहिए तो ये सब आपके ऊपर है आप कुछ भी क्लेम कर सकते हो सो लाइक ए सेट गैस दिस वीडियो वॉज गोइंग टू बी शॉर्ट तो यही शॉर्ट में ही है बट आई वॉन्टेड टू गेट दिस मैसेज आउट क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कभी क्लेम नहीं कर रखे होते ये पॉइंट्स एंड उसके लिए आई गेस्ट पता भी होना चाहिए तो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इसकी किसी को नहीं पता किसी ने नहीं, नहीं कर रखा और अगर आपने ट्रैवल करा है तो विद इन ट्वेल्व मंथ्स है आपका तो यू शुड स्टिल बी एबल टू क्लेम दोज़ पॉइंट्स तो उसको डेफिनेटली यूटिलाइज़ करो एंड uh, uh, मैंने तो ये फोकस रखा था सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर आपको लॉयल्टी पॉइंट्स की बात करूँ तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं आपने होटल्स में रहना होता है तो वहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हो एक्सपीडिया फॉर एग्जांपल उसके भी अपने पॉइंट्स होते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स भी आप जैसे यूज़ करते हो उसमें भी आपको कैशबैक आता है तो इट्स सिमिलर काइंड ऑफ थिंग दीज आर द पॉइंट्स दैट यू एक्म्युलेट फॉर स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर कंपनी या पर वन पर्टिकुलर सर्विस तो इसलिए दिस इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू आई एम रियली होपिंग कि इस वीडियो को देख के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने मिस कर दिया होगा और दे वुड वॉन्ट टू क्लेम देयर पॉइंट्स तो अगर आपने नहीं करे तो भाई वेट नहीं करो डेफिनेटली गो चेक आपकी टिकट आपका बोर्डिंग बस जब चेक करो आपने लास्ट ट्रैवल कब करा था और अपने पॉइंट्स डेफिनेटली क्लेम करो एंड विद डैट गाइज वी आर एट द एंड ऑफ आर वीडियो